वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आपके लिए लेकर आया हूं लुकास टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। बाहर से देख के तो कुछ पता लगता नहीं है, तो केमिस्ट्री के थ्रू ही डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्यों होता है? तो एक रिएक्शन दी हुई है NCERT के अंदर, क्लास 12th का पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 11 है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो एल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। ये बन गया है एल्काइल हैलाइड्स। तो अब डिफरेंशिएट कैसे होगा? द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ एल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। लुकास टेस्ट किस चीज से करते हैं भाई? लुकास रिएजेंट से करते हैं। तो ये क्या है? इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट। तो देखो भाई, एल्कोहल्स जितनी भी हैं वो लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल हैं, पहली बात तो। लेकिन वाइल देयर हैलाइड्स, इस लाइन को पढ़ो, आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। अब ये जो हैलाइड जो बना है ना, इनका एल्कोहल से जो हैलाइड बना है, ये क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स, कौन सा? टर्शियरी एल्कोहल्स, टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड्स इजीली। तो टर्शियरी एल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो बहुत ही फास्ट टर्बिडिटी शो करेगा लुकास टेस्ट के अंदर। वो हो गया तुम्हारा टर्शियरी एल्कोहल। और यही अगर दो चार मिनट का समय ले लें तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो प्राइमरी एल्कोहल इतनी जल्दी टर्बिडिटी देते नहीं है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को लुकास टेस्ट के जरिए टर्बिडिटी ऑब्जर्व करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि डायरेक्ट NCERTs में हैं और बिल्कुल नीट से डायरेक्ट रिलेशन है, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए।